गंगा जमनी तहजीब से आता हूं। आज जब दिल्ली की कानून व्यवस्था यानी दिल्ली के दंगों पर चर्चा हो रही है, जिसमें 52 लोगों की जान चली गई, 526 घायल हो गए, 371 दुकानें जल गई, 142 घर जल गए, तो चर्चा ऐसी होनी चाहिए जिसमें से सौहार्द, शांति और सद्भावना उभरे। किंतु मैं देख रहा हूं जिस तरीके के भाषण हो रहे हैं उनसे तो माहौल और ख़राब हो रहा है। कल लोकसभा के अंदर हमने देखा कि ओवैसी साहब ने जिस तरह से कहा कि लाशों के ऊपर राज हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि इसको हमको ठीक करना चाहिए। जाके सभापति जी, मैं दिल्ली के अंदर पला बढ़ा, चांदनी चौक की गलियों में खेला, और खेला जब चांदनी चौक में हिंदू ज़्यादा थे और मुस्लिम कम, और अब भी जब मैं जाता हूँ तो मुस्लिम ज़्यादा और हिंदू कम हो रहे हैं, जाते हैं, डेमोग्राफिकली चेंज हो रहा है। मैं आज सदन को सावधान करना चाह रहा हूँ, एक तरफ 4 मंजिले मकान हैं, दूसरी तरफ 8 मंजिले मकान पहुँच गए हैं। चांदनी चौक जाफराबाद की तरफ बढ़ रहा है। आज आप मेरी बात लिखकर देख लीजिएगा, ये आधे दंगे के कारण ये रहे कि बहुत छोटी छोटी गलियों में बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोग रह रहे हैं जाके जी। और इस गंगा जमनी तहजीब पे कपिल सिब्बल साहब भी चांदनी चौक से आते हैं, और वो भी चांदनी चौक से सांसद रहे। मजबूरी ये थी कि वो साउथ दिल्ली से चांदनी चौक इसलिए आए क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य था, और मैं भी चांदनी चौक सदर से इसलिए गया क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य था। मेरी पार्टी को लगता था ये यंग कार्यकर्ता है, हार भी जाएगा तो कोई बात नहीं जा। और आप ये समझिए, जब मैं वो चांदनी चौक का चुनाव जीता जिसको कि मैं लड़ना नहीं चाहता था, तो मुझे लोगों ने कहा वाह क्या कमाल कर दिया। मैंने कहा तुमने वो कहानी नहीं सुनी, एक नदी थी उसमें एक बच्चा डूब रहा था, किनारे में बहुत सारे लोग खड़े थे किंतु कोई उसको बचा नहीं रहा था। तभी लोगों ने देखा एक आदमी ने तेज से छलांग लगाई और उसको बचा लाया जाके। लोगों ने कहा वाह क्या कमाल कर दिया, उसने कहा वाह क्या कमाल कर दिया, नहीं पहले मुझे बताओ धक्का किसने दिया था जी। तो मुझे भी पार्टी ने धक्का दिया और मैं तैरने लग गया जाके। और मैं चुनाव एक बार चांदनी चौक से नहीं जीता। कुछ लोग समझते थे कि उस समय ओम जी नहीं थे, कुछ लोग समझते थे कि शायद मैं एक बार तुक्के से जीत गया हूँ, पर मैंने जो मेरी पार्टी ने जो मुझे संस्कार दिए थे उसके हिसाब से जब हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए काम किया, तो उस समय मैं दूसरा चुनाव फिर चांदनी चौक से जीता गया। मैं आपको जहन बताना चाहता हूँ, आप जाएंगे वहाँ पर लोगों से पूछेंगे तो लोग कहेंगे 47 के बाद पहला एमपी है जिसने दोनों समाजों के लिए बराबर का काम किया। अगर प्रधानमंत्री कोच से राहत दिलाई तो दोनों समाजों के लिए दिलाई, पर मेरा देश मेरे को जब मैं पैदा हुआ तो कैसा मिला था, मेरा देश पैदा हुआ तो जब मैं ऐसा मिला था कि जो धर्म के आधार पर विभाजित था जाके। और उस समय जिन्होंने ये कहा कि हमारे को तो मुस्लिम्स को अलग एक कंट्री चाहिए, हम यहाँ नहीं रह सकते किसी के दबाव के अंदर, ऐसा देश मिला था। और जब मैं चुनाव लड़ने आया तब भी मुझे समाज विभाजित मिला। मैं जब चुनाव लड़ता था तो 17% वोट छोड़ के लगता था, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। जब एक कैंडिडेट मुस्लिम्स का अतिरिक्त खड़ा हो जाता था तो ये सारा मीडिया लिखता था गोयल ने एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया वोट विभाजित करने के लिए, पर जब 4 हिंदू खड़े होते थे तो कोई नहीं कहता था कि इनके वोट विभाजित होंगे जाकर। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, ये जो नागरिकता संशोधन कानून है, मेरे को आज तक यह नहीं पता कि जब प्रजातंत्र के अंदर बहुमत का राज है और बहुमत से सदन के अंदर उस बिल को पास कर दिया गया जिस बिल के अंदर किसी को नागरिकता लेने का नहीं देने का प्रस्ताव है, तो आप आज लोग सड़क पर जाकर उसकी खिलाफत क्यों कर रहे हैं। आज जो शाहीन बाग के ऊपर धरने पर बैठे हैं उसमें मेरे सामने जो विपक्ष बैठा है आप लोग जिम्मेदार हैं,
शाहीन बाग तक 70 दिनों तक इनको बिठाने के लिए जाके। और सुनिए आप इसके अंदर, और मैं ये कहना चाहता हूं आपको, ये शाहीन बाग घृणा है, ये शाहीन बाग नफरत है, ये शाहीन बाग झूठ है, ये शाहीन बाग मक्कारी है, ये शाहीन बाग देश के विकास में रोड़ा है, ये शाहीन बाग विभाजनकारी है, ये शाहीन बाग सांप्रदायिक है, और ये शाहीन बाग ना होता तो ये दंगा भी नहीं होता। एक शाहीन बाग जब शुरू हुआ तो आप समझिए, अध्यक्ष जी भाषण देना आसान नहीं होता। जो मैं एक लाइन यहां पर बोलता हूं, वो मैं लाइन अंदर जाती है कि मैं उसको फॉलो करता हूं या सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं। गांधी जी की बातों का असर इसलिए था, गांधी जो कहता था वो करता था। मोदी जी की बात का आज असर इसलिए है, मोदी जी भी जो कहते हैं वो करते हैं। मेरे गृह मंत्री की भी बात का असर इसलिए है, गृह मंत्री कह देगा 370 हो लगेगा तो लगा के रहता है, गृह मंत्री कह देगा 35 के ऊपर काम करेंगे तो करेंगे, गृह मंत्री कहेगा सीए आएगा और एक इंच भी पीछे नहीं हटकेगा तो नहीं होगा, गृह मंत्री कहेगा एनपीआर आएगा तो एनपीआर आएगा, और गृह मंत्री कहेगा दंगाइयों को सजा मिलेगी तो आप मान लेना एक एक दंगाई को सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं सभापति जी मैं कहता हूं, किया क्या अभी आपने? हम लोग बड़े बड़े फैसले लेते रहे, आप रोड़े अटकाते रहे, कोई जीएसटी, कोई 370, कोई 3 तलाक, कोई सर्जिकल स्ट्राइक, और अब कोरोना वायरस से अपने लोगों को जो हमने एयरलिफ्ट किया है। और मैं कहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में किसने क्या नहीं कहा, और मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि आज जो नागरिकता संशोधन कानून है, आप लोग नहीं गए होंगे सदन के लोग, वहां पर हिंदू शरणार्थी कैंपों में मैं गया, आप नहीं गए होंगे जामिया, मैं गया जामिया में जब दंगे हुए इसके बाद, आप लोग नहीं गए होंगे, मैं गया उत्तर पूर्वी के खजूरी और सारे इलाकों के अंदर, 4 दिन तक मैं घूमता रहा इसलिए कि सदन को बता सकूं कि असली कहानी वहां पर क्या हुई थी। इसलिए मैं उपसभापति जी कहता हूं, ये कहां की राजनीति है? आप बूढ़ी बेचारी खालाओं को बिठा दें और आप उनके पीछे छुप जाएं और उसके बाद उस राजनीति को बढ़ाएं, ये ठीक नहीं है। उपसभापति जी, ये कानून सदन में चर्चा करके बना था, और अगर आज सदन में कानून बनेगा और सड़कों पे उसकी खिलाफत होगी तो आप ये समझिए कल वो दिन दूर नहीं जब सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसले सुनाएगी, लोग सड़कों के ऊपर उसकी भी खिलाफत करने के लिए उतरेंगे, ये आप ध्यान रखना, समय आ जाएगा जाके। पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, कितने रह गए? 1.3%। पर जो लोग सीए की खिलाफत करते हैं वो हिंदू शरणार्थियों के कष्ट को नहीं जानते कि वो बेचारों को गांधी ने कहा, उनको नेहरू ने कहा, उनको कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया और कांग्रेस ने रेजोल्यूशन में यह भी लिखा कि जो गैर हिंदू हैं, मुस्लिम जो हैं, उनको शरणार्थियों को नागरिकता नहीं देनी, ये रेजोल्यूशन था। प्रणब मुखर्जी ने भी कि अध्यक्षता स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते जो रिपोर्ट पेश की, जिसमें मेरे दोस्त सिब्बल साहब भी उसके मेंबर थे और भी कांग्रेसी मेंबर थे, उन्होंने भी यही कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून जैसा कानून होना चाहिए और इनको बताया गया था। सभापति जी, इमरजेंसी में संसद ने उस अध्यादेश को भी पास किया होगा, जैसे भी पास किया, मैं और मेरे पिताजी दोनों इमरजेंसी के अंदर जेल में थे, पर तब भी हमने दंगे नहीं कराए देश के अंदर जाकर, हमने जेलों के अंदर वो कहा। पर आज उन लोगों को आइडेंटिफाइड करना ही पड़ेगा जिन्होंने दंगे कराए। गांधी ने कहा था हिंदू व सिख पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते तो भारत आ सकते हैं, और नेहरू ने कहा बंटवारे में गए हमारे भाई बहन भारत आ सकते हैं, और कांग्रेस ने कहा सब गैर मुसलमानों को संरक्षण मिलेगा, गैर मुसलमानों को संरक्षण मिलेगा जो अपना सम्मान व जान बचाने के लिए भारत आएंगे। और इसी तरीके से मनमोहन सिंह जी ने भी आडवाणी जी को कहा, अभी वो है नहीं, कि अल्पसंख्यकों को जो प्रताड़ित हुए हैं उनको हमें नागरिकता देनी चाहिए जी।
अब अध्यक्ष जी घटनाक्रम देखिए, 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन बिल 3 दिन की डिस्कशन के बाद पास होता है जी। आप सब लोग चर्चा में भाग लेते हैं और वो बिल पास हो जाता है। 14 को कांग्रेस अध्यक्षा रामलीला मैदान में एक भाषण देती हैं कि किसी भी व्यक्ति, समाज या देश की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे आर पार का फैसला लेना होता है, आज वह वक्त आ गया है। अब आर पार का आप लोग कहेंगे शायद कोई और मतलब है, आम जनता से पूछिए उसका क्या मतलब निकाला गया जी। और 15 को ओखला में ये आम आदमी पार्टी के विधायक, सारे चुन चुन के इनके विधायक ऐसे आ गए हैं जो भड़काना उकसाना बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वो भड़काऊ भाषण देते हैं कि हे मुस्लिम भाइयों, आजादी से जीना व सांस लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इस राज्य में अगर माइक पर अजान दी जाएगी तो अभी गोली मारो बहुत पहले का स्टेटमेंट था और हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया था, उसके कारण कुछ नहीं हुआ जी। और सुनिए और उसके बाद अजान में माइक बंद कर दिए जाएंगे, कोई मुस्लिम टोपी और दाढ़ी नहीं रख पाएगा, औरतें बुर्का नहीं पहन पाएंगी। जब ऐसे भड़काऊ भाषण होंगे तो दंगों की तो पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। और 15 तारीख को क्या हुआ इसके बाद जानते हैं? 15 को सीए के खिलाफ जामिया में हिंसात्मक प्रदर्शन हो गया, बस जली, स्कूटर जले, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जो शांति इलाका था उसको भड़का दिया गया एकदम, और वो आग में जल पड़ी और वहां पर 1500 चप्पलें मिली। स्टूडेंट्स 1500 चप्पल नहीं पहनता, ये लोग कहां से लाए गए थे, क्यों लाए गए थे, इस सारे को सोचना होगा। पर इससे भी ज्यादा हुआ, उससे भी ज्यादा जो हुआ कि जामिया में जो आग जली हुई उसमें, अरे बीच में नहीं बोल रहे, अभी सुनिए, बैठिए आप, बैठिए बैठिए आप, बैठिए। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? नाम के साहू जी, मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूं, मुझे मालूम है स्टूडेंट्स की जैनियत क्या होती है। और उसके बाद एक समझ लीजिए बात को जी, कि जामिया के अंदर जब ये लोग गए तो एक वीडियो वायरल हुआ तो मेरा मुंह सूख गया। उस वीडियो में पुलिस जो थी वो जाके लाइब्रेरी के अंदर वो डंडों से वार कर रही थी, तो मैंने कहा भाई देखिए ये क्या आया। उसके 5 मिनट बाद दूसरा वीडियो आ जाता है जिसमें दिखाई देता है कि लोग पत्थर लेकर हिंसात्मक होकर और लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं, मेजे अड़ा रहे हैं, और पुलिस वहां गई। उसके बाद पुलिस को जितना डीमोरलाइज किया गया, जितना निंदा की गई कि भाई पुलिस वहां पर गई क्यों ये बताइए, और पुलिस ने बड़ी ब्रुटैलिटी की। उसी पुलिस के बारे में जेएनयू के समय आप ये लोग ये कहने लग गए पुलिस क्यों नहीं गई। अरे इतना आप डीमोरलाइज करेंगे, 70 दिन तक शाहीन बाग के अंदर धरना चलेगा और धरना इस बात का इंतजार करेगा कि पुलिस कुछ एक्शन करे और हम वहां पर हिंसक हो जाएं। मुझे बताइए महिलाओं को बिठाने और भेजने वाले कौन लोग थे? किसकी पार्टी ने कहा था कि हम शाहीन बाग के साथ हैं? किसकी पार्टी ने कहा था? कौन कौन से कांग्रेस के नेता वहां जा जाकर भाषण भड़काऊ देकर आए थे, उनके नाम बताइए जाके जी। हम नहीं गए थे, आपके नेता गए थे, मणिशंकर अय्यर, एक नाम तो मैं अभी आपको ध्यान करा देता हूं, आप कह दीजिए हमारे नेता नहीं है जी। और इसलिए महिलाओं, दिग्विजय सिंह गए, महिलाओं को आगे कर दिया, बच्चों को आगे कर दिया, भड़का दिया, उकसा दिया, बिरयानी खिला दी और जो PAFI से फंडिंग भी दिला दी, तो जाहिर बाखिर बात है बचा क्या फिर मुझे बताइए अगर उकसाने के लिए। उसके बाद आप उकसाइए, दंगा कराइए और फिर पुलिस से पूछिए तूने क्यों कार्रवाई की, वो तो आपको गृह मंत्री जी अभी बता देंगे क्या कार्रवाई हुई है। और सुनिए सर, सुनिए, अरे नहीं, सिबल साहब सुनिए, बिरयानी सुनिए, बैठिए, कुछ रिकॉर्ड नहीं जाने वाला है, केवल विजय गोयल बोल रहे हैं वो जाएगा। केजरीवाल साहब ट्वीट करते हैं, अच्छा? केजरीवाल साहब ट्वीट करते हैं, आंदोलन करो आंदोलन। और मनीष सिसोदिया ट्वीट करते हैं कि पुलिस वाला बस को जला रहा है, पुलिस वाला बस को जला रहा है, जबकि पुलिस वाला बस को बुझा रहा है।
इससे बड़ा शर्मनाक कोई ट्वीट नहीं हो सकता, सोशल मीडिया का मिसयूज नहीं हो सकता। इसलिए सभापति जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको, अब मैं सीधा आता हूं आपको उत्तर पूर्वी के अंदर क्या हुआ। सर, उत्तर पूर्वी के अंदर भी जगह जगह धरने बिठा दिए गए, जगह जगह धरने बिठा दिए गए। पहले ये लोग थे साइड रोड के ऊपर, पहले ये साइड रोड के ऊपर थे उसमें, फिर उसके बाद ये लोग 23 तारीख को 24 तारीख को मेन रोड्स पे आ गए। एक थी 66, एक 66 नंबर रोड सीलमपुर से यमुना विहार तक की, उसको बंद कर दिया। दूसरी चांदबाग से वजीराबाद रोड, उसको बंद कर दिया। फिर नूरे इलाई से गोंडा रोड, इनको बंद कर दिया। यहां तक कि दंगाइयों ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने शाहीनबाग से सीखा था हम बताएंगे एम्बुलेंस जाएगी कि नहीं जाएगी। जी, 23 फरवरी को सुबह भारत बंद के आह्वान की आड़ में मेन रोड जाम कर दिए गए। जब लोग चारों तरफ से घिर गए, आवागमन मंद हो गया, तब वहां पर सीए के समर्थन में सड़क खोलने की मांग को लेकर मौजपुर चौक पर इकट्ठे हुए। मैं उपसभापति जी ये भी बताना चाहता हूं, अगर आप कपिल मिश्रा के बयान को भी देखेंगे तो उसके बयान में वो कहता है, भाई 3 दिन के अंदर ट्रंप साहब आए हुए हैं, इसको सड़क को और जाम मत करिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, और इसीलिए उसके बाद विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई, और उस विचित्र स्थिति में कितने लोग आप देख सकते हैं कि मारे गए, कितना पथराव हुआ। कदमपुरी, सीलमपुरी, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे आग लगा दी गई। मैं सभापति जी अपनी वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको कि जो भी लोग हुए हताहत हुए, चाहे वो मुस्लिम भाई थे चाहे वो हिंदू भाई थे, मैं ये चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं गृह मंत्री जी को कि एक भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे आपने कहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी मोदी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, मोदी जी के विकास के काम को रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय इमेज खराब करने के लिए। हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के दंगे दोबारा नहीं हो, इनसे हम सीखें, सौहार्द स्थापित करें, शांति बनाए रखें, प्रेम सद्भाव हो और गंगा जमुनी तहजीब हो। धन्यवाद मनोज।